हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने फेस पे फेशियल का मसाज कैसे देते हैं वो करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आप घर पे भी फेशियल कर सकते हैं और फेशियल के स्टेप कैसे होते हैं साथ में वो भी बताऊँगी, ताकि जिनको कुछ भी नहीं आता है ना वो मेरे ये वीडियो देख के सीख सकते हैं और घर पर खुद ही फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एरोमा का प्रोडक्ट लिया है, स्क्रब है, ये क्रीम है और ये पैक है, ये क्लींजिंग मिल्क है और ये बाउल है जिसमें स्पॉन्ज भी रखा हुआ जिससे मैं अपने फेस को साफ करूँगी, और एक कॉटन भी चाहिए और पैक लगाने के ब्रश और ब्लैकहेड्स रिमूवर। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप करो, आपका जो पसंद है वो आप ले सकते हो। सबसे पहला स्टेप, फेशियल करने से पहले आपको अपने स्किन को साफ करना है, तो यहाँ मैं क्लींजिंग मिल्क ले रही हूँ, इसी से मैं अपना पूरा फेस को साफ करूँगी। इसे थोड़ा हाथों में लेके 2-3 मिनट मसाज करके फिर उसे हम लोग पोंछ के क्लीन करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए मैं ये कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं बालों को पीछे एक रबर बैंड से बांध लूँगी और एक हेयर बैंड लगा लूँगी। अगर हो सके तो फेशियल वाला जो हेयर बैंड रहता है वो भी आप बैंड लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे एक हेयर बैंड लगा सकते हो, ठीक है ना। और फिर क्रीम को हाथों में लेके पहले पूरे फेस में डॉट डॉट करके लगा ले, फिर हल्के हाथों से मसाज करें। थोड़ा सा पानी या तो रोज़ वाटर डाल के फेस को 2-3 मिनट मसाज करते हुए आप पोंछ दे। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ वीडियो बहुत फास्ट है, इसका मतलब नहीं कि आप भी बहुत फास्ट करो, आप आराम से 2-3 मिनट लेके अच्छे से मेरे जो जैसे जैसे मैं फिंगर चला रही हूँ, हाथों को चला रही हूँ, उस तरीके से आप भी धीरे धीरे करके पूरे फेस को मसाज करके फिर फेस को अच्छे से साफ कर दें। स्क्रब करेंगे, तो चलिए स्क्रब का भी स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी स्क्रब ली हूँ, स्क्रब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ी सी लेना है और सेम वैसे ही डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा देना है। और सूखे हाथ से कभी भी स्क्रब ना करने जाए, हाथों में थोड़ा रोज़ वाटर या तो प्लेन वाटर लेके और हल्के हाथों से मसाज करें, 2-3 मिनट करें, स्क्रब ज़्यादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ना करें, एकदम हल्के हाथों से करें, क्योंकि स्क्रब थोड़ा खुरदुरापन रहता है तो आपका स्किन छिल सकता है, इसीलिए 2-3 मिनट से ज़्यादा मसाज ना करें और एकदम हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। और मसाज का स्टेप आप देख ले कैसे कर रही हूँ, वीडियो बहुत फास्ट है जैसे कि मैं बताई थी, उसी तरह से आप फास्ट ना करने जाए, आप आराम से स्लो करके पूरे फेस को अच्छे से मसाज करें। क्लींजिंग के बाद स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका फेस और ज़्यादा अच्छा से क्लीन हो जाएगी और जो ब्लैकहेड्स वगैरह है वो आपको रिमूव करने में बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जैसे मैं बोली थी 2-3 मिनट से ज़्यादा मत करने जाइएगा स्क्रब से, आपका स्किन छिल सकते हैं। बहुत किसी को लगता है कि स्क्रब बहुत ज़्यादा करो तो बहुत शाइन बहुत ग्लो आता है, तो ऐसा गलती से भी ना करने जाए, 2-3 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा, उसके बाद आप स्टीम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए मैं किस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ। और एक बात, वीडियो बहुत फास्ट है, इसका मतलब नहीं कि आप ही फास्ट करने जाओ, जैसे कि मैं बताई थी आप स्लो करके करो और 2-3 मिनट से ज़्यादा मत करें। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश की हूँ कि घर पर रह के आप किस तरीके से फेशियल कर सकते हैं, फिर किसी वीडियो में बताऊँगी मैं कि फेस में मसाज करने का फ़ायदा क्या होते हैं और कौन सा मसाज आपके स्किन में क्या फ़ायदा देता है। तो आज का वीडियो सिर्फ घर पर रह के फेशियल कैसे कर सकते हैं ये बताने की कोशिश की हूँ मैं। तो हमारा स्क्रब हो गया है, अब हम लोग लेंगे स्टीम। तो मेरे पास जैसे पार्लर में स्टीमर है तो मैं स्टीम से लूँगी, बट अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, जो घर पे कर रहे हैं वो एक बर्तन में पानी देके गरम करके उसका स्टीम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा छोटू सा स्टीमर, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टीमर। तो स्टीम जैसे कि आप देख रहे हो कि निकल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टावल लेके अपने फेस को कवर कर रही हूँ ताकि स्टीम पूरे फेस पे मेरे अच्छे से आ जाए। तब तक मैं स्टीम लूँगी जब तक मेरा पसीना ना आए,
और एक बात का ध्यान रखें, स्टीम लेते हुए फेस को उतना ही आप सामने लेके जाए जितना आप उसका गर्म सहन कर सकते हो। तो स्टीम लेने के बाद हम लोग जो नाक नोज के ऊपर चिन में जो ब्लैकेट्स, किसी किसी का वाइटेस रहता है ना, तो वो आप निकाल सकते हो। तो एक कॉटन में आप एस्ट्रेजेंट या तो रोज़ वाटर ले ले और इस तरीके से आप थोड़ा दबा दबा के आप निकाल सकते हो ब्लैकेट्स वगैरह, ठीक है ना। अगर आपका नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो, जैसे कि मेरा भी नहीं है, बट मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ कि किस तरीके से ब्लैकेट्स रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर है तो निकालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो हमारा फेस क्लीन हो गया है, स्क्रब हो गया है, स्टीम हो गई है, अब हम क्या करेंगे, फेस मसाज। तो चलिए फेस मसाज का स्टेप भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ हाथों पे और डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा रही हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्रीम ले लिए तो आपका चेहरा बहुत अच्छा और ग्लो हो जाएगा, और कम लिए तो ग्लो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लिमिट से क्रीम लीजिए और पूरे फेस में लगाइए, और रोज़ वाटर या तो नॉर्मल वाटर थोड़े थोड़े लेके हाथों में मसाज करते रहिए। और एक बात, हर स्किन में अलग अलग टाइमिंग होता है मसाज का, तो वो मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हर एक ही वीडियो में सब बता दूंगी तो दूसरे वीडियो में मैं क्या बताऊं, है कि नहीं। तो आज का वीडियो का क्या थीम था कि आप घर पे बैठ के कैसे मसाज कर सकते हो, कैसे फेशियल कर सकते हो। तो आप इसमें भी आप देखिए मैं हाथों को किस तरीके से फेस पे घुमा घुमा के मसाज कर रही हूँ, तो ये आप अच्छे से फॉलो कर ले, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, हर स्किन के लिए टाइमिंग का, मसाज का टाइमिंग का अलग अलग रहता है। तो आज मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश की क्यों कि घर पे रह के आप कैसे अपने स्किन को केयर कर सकते हो और किस तरीके से मसाज दे सकते हो। और एक बात का ध्यान रखें, जिस दिन आप फेशियल करें या मसाज करें, चाहे घर पे करें चाहे पार्लर पे करें, उस दिन आप फेस को फेस वॉश या कोई भी साबुन से चेहरा ना धो। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ फेशियल का मसाज, तो मैं यहाँ गर्दन में और कानों पे मसाज नहीं कर रही हूँ, बट आप ऐसा ना करें। आप जिस तरीके से फेस को, गले को मसाज कर रहे, उस तरीके से पीछे जो नेक है, गर्दन है, उसमें भी और कानों पे भी मसाज करें, ठीक है ना। वो कैसे ना, खुद करते हैं तो और कैमरा के सामने कर रहे हैं तो ये सब छूट जा रहा, बट आप ऐसा ना करें, पूरा कानों पे, गर्दन पे, हर तरफ अच्छे से मसाज करें।
मैं कभी फिर कोई एक वीडियो में किसी के ऊपर दिखाऊंगी करके कि नेक मसाज कैसे करते, क्योंकि क्या है ना, मैं खुद करूंगी तो मैं अपने नेक को मसाज ऐसे से नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है ना। तो किसी के ऊपर अगर नेक मसाज करके आपको दिखाऊँगी तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि मैं किस तरीके से नेक मसाज कर रही हूँ। बट आज आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से फेस पे अपने फिंगर से, मेरे अपने हाथों से कैसे मसाज कर रही हूँ, कैसे फिंगर को अपने फेस पे घुमा घुमा के किस दिशा में घुमा रही हूँ, कैसे प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ, है ना। तो ये सब आप अच्छे से देखिए और अच्छे से आप घर पे इसी तरीके से आप अपने फेस को मसाज करें। और प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हुए, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे चैनल को सब पसंद कर रहे, देख रहे हैं, तो मैं और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जैसे कि साड़ी पहनना, बंगाली साड़ी हो या और कोई डिज़ाइन का साड़ी हो, जो आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो साड़ी पहनना हुआ या हेयर स्टाइल हुआ ये सब करके दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहा है। और यहाँ पर हमारा फेशियल हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं अपने हाथों को अच्छे से घिस के उसका जो गर्माहट है ना वो अपने फेस के ऊपर ले रही हूँ। इसका भी फ़ायदा क्या है मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी, बट आपको हर फेशियल करने के बाद ना एंडिंग में ये करना ज़रूरी है। आप अच्छे से घिसिए हाथों को, और जब देखिए हाथ गर्म हो गया तो पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा टाइम करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको थप 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 थपाना है पूरे फेस को, इससे कि आपका जो ब्लड है ना सर्कुलेशन हो जाएगी, तो एक खुद ब खुद एक ग्लो दिखेगा आपको, और जो स्किन है ना वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं अभी कर रही हूँ सेम आप वैसे करें, और सब इसका जो फ़ायदा क्या है वो मैं कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से घर पे फेशियल करें जैसे कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो हमारा मसाज भी हो गया है, अब हम लगाएंगे पैक। तो चलिए मैं पैक कैसे लगा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं पैक ले रही हूँ, पैक ना बहुत गाढ़ा है, ठीक है, तो उसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा रोज़ वाटर या तो प्लेन वाटर भी दे सकते हो या तो दूध दे सकते हो। इसे थोड़ा क्या हो ना वो जो पैक है पतला हो जाएगा। फिर ब्रश लेके आप पूरे फेस पे लगाना है। एक बात का ध्यान रखना, आँखों के ऊपर और आँखों के एकदम नीचे आपको ये पैक नहीं लगाना है। ये पूरा सर्कल जो आँखों का है ना उसे थोड़ा सा हटा के पूरे फेस पे लगाना, जैसे कि मैं लगा रही हूँ सेम आप इसी तरीके से लगाएं। और पैक लगाने के बाद बिल्कुल बात ना करें, और एकदम ज़्यादा कड़क नहीं सुखाना है और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। आप पकड़ लो गिन के 10 मिनट रखना है, उसके बाद आप अच्छे से इसे साफ़ कर दे। और एकदम जब ड्राई होते ना तो उसको रगड़ के ना साफ़ करने जाए, उसे हल्का सा गीला कर ले, चाहे स्प्रे बॉटल से गीला करें आप, चाहे स्पॉन्ज में थोड़ा पानी लेके ऐसा थपथपा के गीला करें। और जब वो नरम हो जाए ना पैक, तो अच्छे से मसाज करके फिर उसे आप पोंछ दे। और पैक ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं, 10-15 मिनट रखें बस, काफ़ी है, इनफ है।
आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्किन कितने सुंदर और कितने एकदम ग्लो लग रहे हैं। यहाँ मैं कुछ नहीं, बस लिपस्टिक लगाई हूँ और कुछ नहीं लगाई, क्योंकि मैंने जैसे कहा था जिस दिन आप फेशियल करते हो उस दिन कुछ नहीं लगाते। तो आप लोग देखिए कैसा लग रही हूँ मैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।